आज वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, अ रेक्टेंगुलर, अ स्क्वायर, अ सर्कल एंड एलिप्टिकल लूप। अब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ये सब बनाने की वैसे जरूरत तो नहीं है, पर बना देता हूँ। रेक्टेंगुलर लूप ऐसा जिसकी लेंथ ज्यादा विड्थ कम, स्क्वायर शेप वाला लेंथ और विड्थ इक्वल, सर्कल मतलब प्रॉपर सर्कल पता है, और एलिप्टिकल काइंड ऑफ दबा हुआ सर्कल, थोड़ा सा दो तरह की रेडियस होती है इसकी। तो यहां पर क्या है कि रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल, एलिप्टिकल लूप ऑल इन एक्स वाई प्लेन। इस बोर्ड को आप एक्स वाई प्लेन ही मानो, ये है एक्स और ये है वाई, एक्स वाई प्लेन में रखे हुए जैसे आपको दिख ही रहा है, और मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर इक्वल्स टू वी आई कैप। फेमस क्वेश्चन है ये। आई कैप मतलब जो वेलोसिटी है वो आई कैप की तरफ है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब जैसे अगर ये सर्कुलर लूप मैंने लिया तो इसको इस तरफ ले जाया जा रहा है वी वेलोसिटी से, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें ना तो टाइम आ रहा है ना एक्स आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ये, सिर्फ वी आ रहा है। वी की कुछ फिक्स वैल्यू होगी, उसी फिक्स वैल्यू से मतलब मैग्नीट्यूड से फिक्स डायरेक्शन यानी कि आई कैप की तरफ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चले जा रहा है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस, बाहर की तरफ जेड होगा, अंदर की तरफ नेगेटिव जेड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसा दिखने वाला है क्रॉस, और ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इससे इसको बाहर निकाला जा रहा है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग, बाहर निकाला जा रहा है, समझ रहे हो आप, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंज आएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दिस लूप आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, फॉर कॉन्स्टेंट नहीं हो जब इस लूप को बाहर निकाल रहे हो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, वर्सेस एक इस लूप को जो कि हम अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं, इस लूप को हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब बाहर निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड से, हम क्या देखते थे कि अगर स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कांस्टेंट है, उस वजह से ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। पिछला वीडियो इसी बारे में था। यहां पर क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होते हुए भी, क्योंकि ये सर्कल और ये एलिप्स दोनों का एरिया अलग टाइप से चेंज होता है, ना कि इन दोनों की तरह से चेंज होता है, तो उस केस में इवन वेलोसिटी कांस्टेंट है फिर भी जो फ्लक्स चेंज होने का जो मैनर होगा, जो तरीका होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का, वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। और क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी में अगर यही कांस्टेंट नहीं है तो ईएमएफ कैसे कांस्टेंट आएगा? तो जो आंसर जाएगा आपका कि कांस्टेंट किसके लिए नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसके लिए कांस्टेंट नहीं होगा, तो कांस्टेंट किसके लिए होता है, इन दोनों के लिए। तो बचे हुए कौन से, ये दोनों, सर्कल और एलिप्स, सर्कल एंड एलिप्टिकल लूप, इन दोनों के लिए जो है फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज होने का तरीका कांस्टेंट नहीं होगा, तो ईएमएफ भी कांस्टेंट नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन, इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शायद ऊपर से निकल गया हो ये क्वेश्चन, इसलिए कंपेयर करते हुए एक बार बता देता हूं। यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स है, ये क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। यहां पर एक स्क्वायर शेप का लूप है जिसको कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर खींचा जा रहा है, पुल्ड आउट किया जा रहा है, और यहां पर एक सर्कुलर लूप है जिसको कांस्टेंट वेलोसिटी वी से बाहर खींचा जा रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अब आपको बताना है कि किस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट होगा, करंट वगैरह इन सब के ग्राफ बनाना है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस डी फाई बाय डी टी, और मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा, जहां पर बी वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये लूप रखा हुआ है, ए मतलब एरिया ऑफ द लूप जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वही एरिया, उसके अलावा कॉस थीटा, थीटा मतलब इस लूप का एरिया वेक्टर जो कि बाहर की तरफ मान रहा हूं, जो कि मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ये वाला सिस्टम है। अब क्योंकि इस लूप को आप सीधा कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हो, या इस लूप की बात कर ले कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हो, दोनों ही केसेस में थीटा चेंज नहीं होगा, हमेशा एक फिक्स एंगल पर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि इसको बाहर निकाल रहे हो आप, ये लूप थोड़ी देर में यहां आएगा फिर पूरा बाहर आ जाएगा,
मतलब पहले यहां चल रहा है फिर बाहर चल जाएगा, तो उस केस में एरिया जो है बदल रहा है, मतलब फिजिकली तो इस लूप का एरिया नहीं बदल रहा, लेकिन जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो बदल रहा है, और उस चीज की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और उससे इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी। ऑफ कोर्स जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी कि इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा, जैसे इसको बाहर निकाला जा रहा है तो ये इसको अंदर रखने की कोशिश करेगा, तो हमें जोर लगाना पड़ेगा निकालने के लिए, वर्क करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, और वही मैकेनिकल वर्क जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल है। बाहर निकालने की जगह अगर हम इसको अंदर लेके जा रहे होते तब भी आपको वर्क करना पड़ता, ऐसा लगता कुछ अपोज कर रहा है। वो सारी चीजें मैं टाइप वन टाइप टू में सब समझा चुका हूं, बार बार करने से वीडियो बड़ा हो जाएगा। यहां पर हम बात करें इस जगह पर, इसके ग्राफ में ऑलरेडी बना चुका हूं इस वाले के, यहां की अगर हम बात करें तो जब इसको आप बाहर निकाल रहे होगे तो इसका जो एरिया होगा आप खुद देखो, इस एरिया वर्सेस इस एरिया में अलग तरीके से ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे इसमें। प्रॉपर ऐसा चेंज नहीं आएगा कि पहले अंदर था फिर धीरे धीरे एरिया कम होता गया, जैसे इसका जब हम बात करेंगे फ्लक्स वर्सेस टाइम की, एक बार बना के बताता हूं। देखो फ्लक्स वर्सेस टाइम की बात करेंगे तो जब तक ये लूप अंदर है तब तक फ्लक्स कांस्टेंट है, तब तक कांस्टेंट है, लेकिन जैसे इसको बाहर निकाल रहे हो, जैसे यहां पर भी रहेगा कि जब तक ये अंदर है मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम, जब तक ये लूप अंदर है तब तक तो कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए भी कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन जैसे ये बाहर आने लगेगा तो कांस्टेंट टाइप का डिक्रीज आएगा इसमें, क्योंकि इसका एरिया ही कुछ ऐसा है। लेकिन इसमें देखो पहले ये वाला छोटा एरिया बाहर निकलेगा, बड़ा वाला अंदर रहेगा, फिर अंदर जो रहेगा ये छोटा वो एरिया भी छोटा होता जाएगा, तो इसमें जो चेंज आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा, ये इस तरीके से, ये बढ़ा नहीं है घट के आया है, रुको एक सेकंड में दोबारा बनाता हूं, ऐसा लगेगा पहले बढ़ा है फिर घटा, ऐसा नहीं है। यहां पे जो फ्लक्स है वर्सेस टाइम ये ऐसा है, ऐसा ये जीरो हो गया, जीरो तो इसमें भी हुआ है फ्लक्स, जीरो इसमें भी हुआ, तरीका देखो शार्पली डिक्रीज हो गया एक तरीके से, ये चेंजेस है दोनों में, तो इसमें फ्लक्स तेजी से डिक्रीज हुआ। उसके बाद हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज मतलब ये वाला ग्राफ, तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे यहां पर हमने बनाया था कि यहां पर स्लोप ही जीरो है, ईएमएफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ग्राफ या फाई बी टी ग्राफ, और ये माइनस लगा देता हूं, तो यहां पर तो स्लोप ही जीरो है, स्लोप जीरो है तो ईएमएफ जीरो, ऐसे यहां पर स्लोप जीरो है, इस जगह थोड़ा सा स्लोप जीरो है तो ईएमएफ जीरो, उसके बाद यहां पर स्लोप नेगेटिव है 90 से बड़ा है तो ईएमएफ पॉजिटिव था, यहां पर भी स्लोप नेगेटिव है 90 से बड़ा है तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, लेकिन ये शार्पली डिक्रीज हुआ तो वो इस तरीके से इंक्रीज होगा, ऐसा ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इस तरीके से चलता है, माइनस साइन है, लेंज लो। उसके बाद जिस तरीके से ईएमएफ फ्लो हुआ उसी तरीके से करंट फ्लो होगी, तो इसके लिए बता रहा हूं, इसके लिए करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, पहले जीरो था ईएमएफ जीरो फिर ऐसा, तो कुछ समझ में आया होगा। अगर इसकी जगह एलिप्सिकल वाला पाथ होता तब भी कुछ ऐसा ही होता, तो ये फेमस क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको करा दिया, और ये वीडियो बहुत छोटा है इसीलिए क्योंकि इसके कंसेप्ट में पहले ही करा चुका हूं, तो ये कमेंट मत करना कि इतना फास्ट कैसे कर दिया, पुराने वीडियोस देख लेना, उनमें बनाने में भी मेहनत लगती है, उनमें भी टाइम लगता है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोज में, थैंक यू।